हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब अभी घर के लिए मैंने सारे काम कर दिए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सारी चीज़ें हो चुकी है और अभी टाइम भी 11:12 बज चुके हैं, मैंने अभी देखा नहीं है। सो वैदिक को भी मैंने सुला दिया है, इसको भी नहला धुला के वो भी सो चुका है। और दिल्ली में ना गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे इस टाइम पे। और मतलब 2 मिनट भी अगर 1 सेकंड के लिए भी पंखे से बाहर जा रहे हैं ना, तो पूरे भीग जा रहे हैं। मतलब उसी टाइम नहा के आ रहे हैं, उसी टाइम बाहर आते आते इंसान मतलब भीग जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। सो फिलहाल अभी काम हो चुके हैं और अभी मतलब काम तो वैसे तो घर के काम कभी भी देखो पूरे नहीं होते, लेकिन जो डेली के काम होते हैं वो तो हो चुके हैं। बाकी के अभी ढेरों काम मेरे बाकी हैं तो वो मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी वैदिक सोया है ना, तो उस टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ, वरना बेबी उठ जाता है तो फिर वो परेशान करने लग जाएगा और चीज़ें इधर से उधर तोड़ फोड़, मतलब ऐसे करते हैं ना बच्चे, इधर की चीज़ उधर फैलाएंगे, या फिर जो काम हम कर रहे होंगे उनको भी वही करना होता है। तभी मैं कपड़े वगैरह धो रही थी तो वैदिक भी बार बार वहाँ पे आके उसको भी रह जाते कि मैं भी उल्टे काम करूँगा। तो अभी बस सोया है, तो बाकी के जो मेरे छोटे मोटे काम बचे मैं वो कर लेती हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाना। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे ना मैंने मॉर्निंग में बर्तन धुल के टोकरी में ही रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो इनको फटाफट से लगा देते हैं। और बर्तन वगैरह सूख जाते हैं ना एकदम से लगा दो तो फिर तो किचन ऐसा बिखरा बिखरा सा नहीं रहता है। तो बर्तन मैंने लगा दिए थे। उसके बाद ना जब भी मेरा काम मतलब जल्दी हो जाता है मॉर्निंग में, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि जो बाकी के काम होते हैं ना, जो कि हम हफ्ते में महीने में एक बार ही कर पाते हैं, या फिर कुछ भी छोटे मोटे चीज़ें होती है जो हमें सोच के रखते हैं कि आज हम ये करेंगे, तो वही सारी चीज़ें फिर मैं उस दिन कर लेती हूँ, जब भी मैं टाइम से काम कर दूँ या फिर जब भी टाइम मिलता है। तो ये वाला जो रैक था ना यहाँ पे ड्रॉल थे जो, तो मैंने बहुत दिन से मैं इसको धोने की सोच रही थी, क्योंकि इसमें ना एक ये वाइट कलर का है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। और वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ना काला हो गया था। और ये वाइट वाइट वाला था ना जो इसके टांगे वांगे, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही काली हो गई थी। तो मैंने कहा अगर मैं इससे कपड़े से ही साफ़ करूँगी तो इतना अच्छे से क्लीन होगा नहीं, और कपड़ा तो उसमें डेली लगता ही रहता है, एक दो हाथ तो लगा ही लेती हूँ डेली का, लेकिन एक होता है ना डीप क्लीनिंग करना, तो इसको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने इसको सारा अलग अलग करके इसको अच्छे से मैंने धो दिया है सरफ से, तो उससे नहीं अच्छे से चमक गए थे। तो और ये काम मैं तभी कर सकती थी जब मेरा बेबी सोया रहता है, और अभी मैंने वैदिक को सुला दिया था, काम में मेरे निपट चुके थे थोड़ा सा टाइम पे, तो मैंने कहा चलो आज इसको ही निपटा देती हूँ। बट अभी मुझे डर है कि कहीं वैदिक उठ ना जाए, क्योंकि कभी कभी ना वो बहुत कम सोता है, थोड़ी देर के लिए सोएगा जैसे हल्का सा भी जैसे शोर होता है ना बर्तन वगैरह धोने का, तो एकदम से उठ जाएगा। तो मुझे अभी डर था कि वैद्य कहीं उठ ना जाए, और अगर वैद्य उठ गया ना तो मैंने अभी जो इससे सामान वगैरह जो भी मैंने निकाल के बाहर रखा है ना, तो पूरा फैला देगा। तो फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, सेम वही चीज़ हो गई। तो अंदर से आवाज़ आई तो मैं ऐसे झांक झांक के देख रही थी, तो पता चला कि हमारे वैदिक साहब जी उठ चुके हैं, और उठकर वो थोड़ी देर ना बिस्तर में थे, लेकिन फिर उसको पता चल गया कि बाहर कुछ तो हो रहा है, और उसके बाद वो सीधा आ गया यहाँ पे। और एक ड्रोल देखे मैंने वहीं पर रखा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो वो मैंने धोने के लिए नहीं डाला, मैंने उसको लास्ट में धोऊँगी। फिर वो आ गया, जो भी मैंने पूरा सामान वहाँ पर रखा था ना, तो वही फिर बच्चे अपने सतानियाँ शुरू करने लग जाते हैं, तो वही वो करने लग गए यहाँ पे पूरे सतानियाँ, सामान इधर उधर फैलाना फेंकना यही चीज़ें वो कर रहा था। तो अभी जो इसके ड्रोल थे ना, तो ये तो मैंने धो दिए थे, और अब इसके जो ये हाथ पैर रहते हैं ना ये मैं धो रही थी, ये काफ़ी गंदे हो रखे थे, ये वाइट वाले तो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रखे थे, तो मैंने कहा इनको अच्छे से धो धा के मैं बाहर बालकनी में सुखा दूँगी, उसके बाद इसको जोड़ूँगी। तो इसी प्रकार मैं अपने रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं ना, उनको बेबी के साथ ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और अगर हम सुबह टाइम पे उठ जाए, टाइम पे झाड़ू पोछा जो डेली का काम होता है वो कर लेना, तो ये जो बाकी के चीज़ें होती हैं ना जो हम सोच के रखते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, तो ये हम इस टाइम में जो है मैनेज करके इसको निपटा लेते हैं। जैसे यही काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं एक मतलब हाउसवाइफ के लिए, तो ये समझ लो कि ढेरों काम होते हैं, जो कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनकी तो गिनती भी नहीं होती कामों में, बट फिर भी वो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम ना ले ही लेते हैं। ये क्या हो रहा है वैदिक?
और दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ ही देर में सूख चुके थे और सूख कर मेरे वैद्य ने फैला भी लिए थे। तो उसके बाद मैं वैद्य को अंदर लेके आ गई, फिर सोचा मैंने वैद्य का ही मैं काम निपटा लेती हूँ क्योंकि ये सो गया था। पहले तो मैं इसके बाल वगैरह नहीं बना पाई, तेल वगैरह भी नहीं लगा पाई, तो मैंने कहा चलो पहले मैं वैद्य का काम कर लेती हूँ। तो बाल बनाते टाइम वैद्य थोड़े से ड्रामे करता है, तो इसका जो फेवरेट गाने हैं ना गढ़वाली गाने, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं गा गा के इसके बाल बना रही थी, तब जाके इसने बाल बनाने दिए। मेरी घाघर से लगदे रे ब्यो लगते कुछ कलसा ब्यो लगले कुछ कलसा ब्यो लगी तुद 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 ब्यो लगली मुझ कलसा को लगले कुछ कलसा को ब्यो लगते कुछ कलसा को लगले कुछ कलसा को। तो बस इसी प्रकार से वैदिक के जब भी बाल बनाने होते हैं या कुछ भी करना होता है तो उसके फेवरेट गाने उसके सामने मतलब ऐसे लगा लो तो वो एकदम से काम करने देता है। तो आगे से वो शीशा भी देख रहा था, तो मैं उसको ऐसे गाने लगा लगा के थोड़ा सा उसको बहला रही थी और वो क्लैप भी कर रहा था बीच बीच में। तो फटाफट से मैंने उसकी चोटी बना दी, थोड़ा सा उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें अगर टाइम पे मैनेज हो जाए ना तो फिर बेबी के साथ भी अच्छे से हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बाकी के चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। बट जब थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम हो जाता है फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती है, फिर तो बस ये रहता है कि भाग दौड़ ही रहती है। तो बस अभी थोड़ा सा वैदिक को मैंने बिठा दिया है अंदर रूम में, खिलौने वगैरह दे दिए, उसके फेवरेट कार्टून वगैरह आते हैं वो लगा दिए थे। तो इसी बीच में जो ये बाकी के ढेरों काम होते हैं ना छोटे छोटे से काम, तो वो मैं कर लूँगी। अभी मेरे को ये अपनी मसालेदानी थी इसमें सारे मसाले वगैरह भरने थे क्योंकि मैंने सुबह ही धोया था और थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ आज, तो मसाले भी सारे ही ख़त्म हो गए थे, तो अभी मैंने इसको फिल कर दिया है। छोटे मोटे काम करते करते टक का पूरा दिन निकल जाता है, मुझे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता, और बेबी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं चलता मुझे दिन का। तो अभी लंच टाइम भी हो ही चुका था और अभी अकेले अकेले में ना कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या ही बनाऊँ खुद के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे घर पर थोड़ी सी ब्रेड पड़ी हुई है, और फिर मैंने सोचा चलो यार मैं ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ उनसे। दो तीन ही ब्रेड पड़ी थी और ज़्यादा मेरा खाने का मन भी नहीं था, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बेसन में मसाले वगैरह डाले, और मैं डीप फ्राई करके नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं दो चार ही बनाऊँगी खुद के लायक। तो फिर मैंने कहा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो झटपट से बन जाए, तभी मुझे पता चला कि यार यार यहाँ पे तो ब्रेड पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चलो इनको सेल्फ फ्राई करके मैं बना देती हूँ। और इनको मैं जैसे ही बना रही थी ना तो मैंने एक दिन वीडियो शूट कर रही थी, तो इसी बीच में मेरा कैमरा ना स्पेस फुल हो गया तो वो बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि बंद हो गया। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे चाय वगैरह भी बना दी थी, और साथ में मैंने एक मैगी के पैकेट था वो भी मैंने बना लिया था, तो मैंने कहा चलो इतना बहुत है मेरे लिए खाने के लिए। और जब मैंने बाद में देखा तो मेरी वीडियो शूट ही नहीं हुई थी क्योंकि स्पेस फुल हो गया था, फिर मैंने कुछ वीडियो डिलीट वगैरह करी, उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। तो अभी बस लंच भी मेरा रेडी है, अभी मैं लंच करूँगी। और वैद्य के लिए ना मैंने बेसन में थोड़ा सा प्याज वगैरह काट के छोटा सा चीला टाइप का बना दिया। वैसे तो बहुत ड्रामे करता है, खाने पीने में खाता ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामे रहते हैं वैद्य के, बट उसको वैसे सूजी वगैरह का चीला पसंद था, तो मैंने कहा क्या पता बेसन का भी खा ले। और अभी आपको दिख रहा हो कि खा रहे बट खा नहीं रहे, मुँह में चबा कर थूक देता है और पूरा खा खा कर इसने ऐसे ही पूरा ना इसमें फैला देता है, पूरा गंदा कर दिया था नीचे। कुछ भी खाना दो इसको तो ये ऐसे ही मतलब खाने के लिए करेगा पर खाता नहीं है, पूरा फैला देता है घर पे। बट कोई बात नहीं, बच्चों को देना चाहिए, वो धीरे धीरे खुद सीख लेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं इसको दे देती हूँ। उसके बाद थे बर्तन वगैरह, खाना वगैरह मेरा हो गया था, फिर मैं धोने लग गई थी बर्तन, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ, फिर भी जो काम होते हैं ना घर के वो पूरे ही नहीं होते, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। पर बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये सारे काम तो ज़िंदगी भर करते ही रहना है और ये डेली के ही काम है जो होते ही रहते हैं। और अभी बर्तन धो रही थी इसी बीच में वैदिक ने अपने कार्टून वगैरह छोड़ के अपना खाना छोड़ के सीधा बाहर आया और फिर से शैतानी करने लग गया, पूरा सामान फैला दिया। वैदिक ये क्या कर रहे बेटा, तुम दो मिनट के लिए ना चैन से क्यों नहीं रह सकते हो अंदर, सारे देखो मम्मी के निकाल देना। तो अभी ना मैंने जो वो यहाँ पे ये सुखा रखे ना ये इसके बॉक्सेस, तो मैंने कहा ये सामान यहाँ पे रहेगा और मैंने यहाँ पे रख दिए थे वो,
ड्रेसिंग शीशे के अंदर भी रखा है, राधा ये वाला सामान बाहर रखा था। और इस बच्चे को मैंने बिठाया हुआ था वहाँ पे और ये आराम से अपना टीवी देख रहा था और ये ऐसे भागा ना, मेरे को पता ही नहीं चले कब यहाँ पे पहुँचा और कब इसने ये कांड कर दिया। तो इसके साथ मुझे 4 आंखें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है और 4 हाथ। ये कब हमारी आंखों से ओझल हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखो उसका फेवरेट वाला कार्टून आ गया ना, फिर अंदर चले गया। देखो जोनी जोनी वाला आ गया तो एकदम से भाग के अंदर चले गया क्योंकि उसको ही देखते रहते हैं जोनी जोनी यस पापा। और ये देखो खाना दिया था वैदिक जी को और वैदिक जी ने सारा खराब कर दिया। और जोनी जोनी वाला आया तो एकदम से भाग के अंदर आ गया। इस बच्चों के साथ पूरा दिन कब और कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। और अभी पता 2:30 बज चुके हैं लेकिन पता ही नहीं चला टाइम का कि कब 2:30 बज चुके हैं। और अभी बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, बर्तन लगाऊंगी और अभी जो रैक मैंने पूरा खोल के रखा हुआ है ना उसको लगा देती हूँ, वरना वैदिक का कुछ पता नहीं, पता चलना वहाँ पे जाके वो नीचे फेंक दिए तो फिर मेरे को डबल काम बदल जाएगा। और अभी ने इसका फेवरेट कार्टून है जोनी जोनी, तो जैसे इसने सुना जोनी जोनी एकदम से भाग के अंदर चले गया, वो भूल गया कि मैं क्या उल्टे काम कर रहा था। बट चलो सही है, जब तक ये देखता है तब तक मैं बाकी के फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। तो बस मेरे वैदिक का तो एक ही काम है, अपनी मम्मी का काम बढ़ाते रहना। और मेरे काम सारे टाइम पे हो जाते हैं बट वो इसीलिए बढ़ते हैं कि वैदिक कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, कुछ ना कुछ गिराता रहता है। बट कोई बात नहीं है, बच्चे हैं गिराएंगे और बच्चों से घर पे रौनक भी होती है। और अभी बस यहाँ पे ना वैदिक को मैंने चीला दिया था, खाया था उसने बट पूरा फैला दिया था रूम पर तो, और चिपचिप सा हो जाता है ना, तो मैंने कहा झाड़ू मार के यहाँ पर थोड़ा सा पोछा कर दूँगी, ऐसे ही पैर से कर दिया था मैंने। और ये देखो अभी वैदिक का फेवरेट सॉन्ग चल रहा था जो अभी मैं गाना गा रही थी ना, तो उसको बस बहुत मस्त लगता है वो सॉन्ग। तो बस ऐसे उठ के ही बैठेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बहुत एक्साइटेड हो जाता है सॉन्ग को सुनते सुनते। तो बस मैं यहाँ पे तब तक मैंने फटाफट झाड़ू और पोछा कर दिया था। तो वैदिक यहाँ पे अपना गाना एंजॉय कर रहा था, तब तक मैं पूरा जो रैक वाला सामान था वो मैं अंदर लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो इसको जोड़ के इसको सेट कर देती हूँ। और वैसे तो वैदिक इसको डेली खींचता रहता है तो, पर अभी मैंने इसको जोड़ के यहाँ पर सेट कर दिया है। अरे पापा ये कहाँ करते हो तुम, मैं मारूंगा तुमको। तो सुबह से यही सारे कामों में मैं लगी हुई थी और अब जाके मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिला। टाइम अभी 4:30 हो चुका था और तब तक मेरे भाई भी आ गया था वैदिक को ले जाने के लिए आया था, लेकिन वो यहीं पे रुक गया। मैंने कहा तब तक बैठ जा, अभी वैदिक को नींद आएगी वो सो जाएगा। और देखो वैदिक तो ऐसे शैतानी कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा तक मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, 4:30 तो हो ही चुके थे। और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।